हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी चिकन मेरा। इसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, कांदे का पेस्ट और घी और 1 कप मिल्क और मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ और मिर्ची का पेस्ट है और बादाम का पेस्ट है और मलाई है और मैंने काली बड़ी इलायची और छोटी इलायची, धनिया पाउडर, जीरा, नमक, कसूरी मेथी ले लिया। अब एक कढ़ाई में हम इलायची डाल देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और उसमें हम कांदे का पेस्ट डालेंगे जिससे वो उसका कच्चापन नहीं निकल जाए। तो फिर उसको 5 मिनट तक हम भूनेंगे, इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। इसे हम चलाते रहेंगे वरना ये नीचे पकड़ लेगा। इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके बाद मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, इसको भी घुमाएंगे 5 से 10 मिनट तक। फिर घुमाने के बाद जो हमने चिकन लिया था उसे हम डालेंगे। अब हम मिक्स से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, आप जीरा डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे, अब हम इसके बाद बादाम का पेस्ट डालेंगे। बादाम का पेस्ट आप पहले ना डालें क्योंकि दूध फट सकता है, पहले दूध डालें फिर बादाम का पेस्ट डालें, फिर इसे चलाएं। फिर इसमें कस्तूरी मेथी डालें ऊपर से, अब इसे हम ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। देखो गाइस कितना अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, इसे चलाते रहना। हम थोड़ी और क्रीम डालेंगे क्योंकि क्रीम का फ्लेवर आना चाहिए। फिर इसको 15 से 20 मिनट के बाद ढक देंगे। देखो गाइस इसमें उबाल आ चुकी है, गाइस का कलर देख के मुँह में पानी आ रहा है। फिर हम इसे कटोरे में सर्व करेंगे। सो गाइस कमेंट करके बताइए कैसा बना है, आप भी अपने घर पे इसको ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।